क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा में बदलाव पूरी दुनिया के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इन चुनौतियों में से एक नई बड़ी चुनौती सामने आई है, वो है पानी की कमी की यानी सूखे की। दुनिया के कई देश गर्मियों के महीने में सूखे का सामना करने को मजबूर है। भारत भी इससे अलग नहीं है। स्थिति यह है कि गर्मियों से पहले ही कई इलाकों में सूखा पड़ने लगा है। इन इलाकों में शामिल है देश की आईटी कैपिटल मानी जाने वाली बेंगलुरु भी। 1.25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस शहर का गला मार्च की शुरुआत में ही सूख गया है, वो भी तब जबकि अभी झुलसा देने वाली गर्मी के महीने शुरू भी नहीं हुए हैं। बेंगलुरु में अभी से ही पानी के लिए त्राही त्राही मच गई है। पानी की ये कमी इस आईटी सिटी की उस चमक को फीका कर रही है जिसके लिए देश दुनिया में ये शहर जाना जाता है। यह हाल है इन दिनों बेंगलुरु का। बेंगलुरु के कई ऊंची ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी जहां के घर 1-1 करोड़ रुपए से कम के नहीं होंगे, वहां के लोग इन दिनों पानी के लिए बाल्टियां और घड़े लेकर नीचे उतरे हुए हैं। बेंगलुरु के पुराने गली मोहल्लों में भी यही हाल है। लोग घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार करते हैं और टैंकर आते ही पानी के लिए मार मच जाती है। लोग अपनी नौकरी चाकरी भूलकर घर का पानी जमा करने में जुट जाते हैं। ये बता रहा है कि हमारे विकास की प्राथमिकता कितनी तिरछी है। पानी जैसी मूल जरूरत आगे कैसी पूरी होगी, इस पर सालों से ठीक से काम ही नहीं हुआ, जबकि ये शहर यानी बेंगलुरु दुनिया को बताता है कि आने वाला भविष्य कंप्यूटर की किस तकनीक के सहारे संवरेगा। अब अपना ही भविष्य संवार नहीं पा रहा है। हाल यह है कि तरक्की के आसमान की ओर देखने वाले इस शहर के पैरों के नीचे से पानी गायब हो चुका है। यह हाल तब है जब बेंगलुरु के एक बड़े हिस्से को कावेरी नदी के पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन जहां पर कावेरी नदी के पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है, वहां पानी के लिए बोरवेल का ही सहारा है। लेकिन इस तेजी से फैलते शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कई सालों में भूमिगत जल की भयानक निकासी की गई है। इसी का नतीजा है कि भूमिगत स्रोत लगभग सूख चुके हैं। बेंगलुरु में करीब 13,900 बोरवेल हैं, जिनमें से 6,900 बोरवेल सूख चुके हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार, जो कि कांग्रेस के संकट मोचक भी हैं, वो डीके शिवकुमार बताते हैं कि उनके अपने घर का बोरवेल सूख चुका है। बेंगलुरु को हर रोज 1,450 मिलियन लीटर यानी एमएलडी पानी कावेरी नदी से मिलता है। इसके अलावा 700 एमएलडी पानी भूमिगत स्रोतों से मिलता है, लेकिन भूमिगत स्रोत सूखने से बेंगलुरु अब सूखे से जूझ रहा है। राज्य के जल संसाधन मंत्री शिव कुमार के पास बेंगलुरु के विकास का भी जिम्मा है। उनका कहना है कि शहर में जहां कावेरी का पानी सप्लाई किया जा सकता है वहां किया जा रहा है, लेकिन शहर की असली समस्या बोरवेल्स के सूखने की है। हालात को संभालने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके यानी BBMP और बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अब पानी की सप्लाई के लिए पानी के टैंकरों का इंतजाम कर रहा है। पानी माफिया पर काबू पाने के लिए 1500 से ज्यादा पानी के टैंकरों को अभी तक रजिस्टर कर लिया गया है और पानी के बाकी टैंकरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मार्च की मियाद दे दी गई है। पुलिस, RTO और BBMP इस सब की निगरानी कर रहे हैं ताकि पानी का माफिया या पानी के चोरों को पकड़ा जा सके। शिकायतें मिल रही हैं, गैर कानूनी तौर पर सक्रिय टैंकर माफिया लोगों से एक टैंकर पानी के लिए 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। डीके शिवकुमार के मुताबिक इससे निपटने के लिए निजी बोरवेल से पानी निकालकर सप्लाई की जा रही है और इस पानी की कीमत तय करने के लिए वाटर टैंकर द्वारा तय की जा रही दूरी को आधार बनाया जा रहा है। शिव कुमार के मुताबिक कावेरी के 5वें चरण के तहत बेंगलुरु के आसपास के 110 गांवों को मई के अंत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। बेंगलुरु को पानी की सप्लाई के लिए आसपास के रामनगरा, मगाड़ी, होस्कोट जैसे इलाकों में सिंचाई के लिए बने बोरवेल्स का भी इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। शिव कुमार का आरोप है कि विपक्षी बीजेपी और JDS गठबंधन पानी की किल्लत पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी सरकार पानी माफिया पर काबू पाने की कोशिश में है। हालात क्या हैं उसके लिए हमारी यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए।
500 रुपए से 800 रुपए वाला पानी का टैंकर 2000 से 2500 रुपए में। शिकायतें बढ़ी तो सरकार ने 800 से 1000 रुपए का रेट तय कर दिया, लेकिन सुनता कौन है? बीबीएमपी बोलता है मैं फाइन लगाता हूँ यदि कोई ज्यादा पैसा लेगा। मैं खुद दे रहा हूँ 2000 रुपया, अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो वो गली बंदा गली को ही नहीं आता, पानी ही देता नहीं, तो हम लोग क्या करें, किससे जाके मांगे? दरअसल बेंगलुरु के 40% बोरवेलों में पानी का स्तर नीचे चला गया है और ये सूख गए हैं। 1,40,00,000 की आबादी वाले इस शहर में 20% लोग बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। हालांकि जल बोर्ड कह रहा है कि कावेरी नदी के पानी की कमी जुलाई तक नहीं होगी। सख्ती करके कमी दूर करने की कोशिश भी जारी है। कार धोने, पेड़ पौधों में पीने का पानी इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना, स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो भी इतना ही जुर्माना। लेकिन अब पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। In couple of instances when Karnataka suffered adverse orders, कई मौकों पर कांग्रेस सरकार ने कोर्ट ऑर्डर को वेलकम किया और कावेरी का पानी तमिलनाडु को दिया। बेंगलुरु उपेक्षा का शिकार हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ऐसा सिर्फ अपने गठबंधन के पार्टनर डीएमके को खुश करने के लिए किया। In a move to appease their Indie Alliance partner DMK in Tamil Nadu. हम बीजेपी की तरह फिजूल की बातें नहीं करते। हमारे पास शक्ति है और इसका इस्तेमाल हमने कावेरी बेसिन के किसानों को हमेशा बचाने के लिए किया है। तमिलनाडु को पानी देने का सवाल नहीं है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है और तमिलनाडु ने पानी की मांग भी नहीं की है। यहाँ कर्नाटका में पानी को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन लोगों की समस्या अपनी जगह बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में बारिश होगी और अगर ऐसा होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। पानी को लेकर सियासत खूब हो रही है। बेंगलुरु बड़ा शहर है, इसीलिए उसका दर्द भी दूर दूर तक जा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि बाकी कर्नाटक की हालत भी खराब हो रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के मुताबिक राज्य पिछले 30 से 40 साल में सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा है। कर्नाटक ने राज्य के 240 में से 223 तालुका में सूखा घोषित कर दिया है। इनमें से 196 भयानक सूखे से ग्रस्त हैं। ये हालात क्यों हैं, हमें बताया पानी के क्षेत्र में काम कर रही संस्था वेल लैब्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीना श्रीनिवासन। बैंगलोर में क्या हुआ है कि उसकी आबादी बहुत ज्यादा, अर्बनाइजेशन जो बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा रेट पे इंक्रीज हुआ है। तो 10 साल में बैंगलोर की आबादी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और हम अभी 12 मिलियन के बारे में, मतलब 1.2 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी ही, मतलब 2030 में प्रोजेक्शन है कि 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ की आबादी हो जाएगी। तो हमें ये याद करना चाहिए कि इस तरह की रैपिड अर्बनाइजेशन और रैपिड जो आबादी की बढ़ाई हो रही है, वो कोई भी यूटिलिटी को, मतलब मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो क्या हुआ है कि बैंगलोर में, कि जो सिटी सेंटर में है सिर्फ वहां पे कावेरी की पाइपलाइन लगी हुई है और जो पेरिफेरी है, जो बाहर की के इलाके हैं जो बैंगलोर में जुड़ी जा रही है, वहां पे कावेरी का पानी भी नहीं है और पूरा जगह इलाका जो है बोरवेल में ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। अभी एक और चीज है इस ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस के बारे में जो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये एरिया जो है हार्ड रॉक एक्वाफर है, तो हार्ड रॉक एक्वाफर में पानी का जो प्रोडक्टिविटी है, बोरवेल का जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत ही कम रहती है। वैसे बेंगलुरु के बहाने पानी की किल्लत की हमने जो बात की है वो देश के हर उस शहर पर लागू होती है जो जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी खींच रहे हैं और अपने इस जल स्रोत को सूखा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इसका असर सिर्फ पानी की कमी के तौर पर ही नहीं दिखेगा बल्कि इससे जमीन भी बैठती जाएगी। इसका एक उदाहरण है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वहां बोरवेल से भूमिगत पानी इतना निकाल लिया गया कि जकार्ता की जमीन अब धंसने लगी है और उसके ऊपर नए निर्माण का भारी बोझ भी है। समंदर किनारे एक डेल्टा पर बसे जकार्ता की जमीन
एक से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे धंस रही है। उत्तरी जकार्ता तो बीते 10 साल में 2.5 मीटर धंस चुका है। जकार्ता अब समुद्र तल से नीचे चला गया है और बड़े इलाकों में समंदर घुसता जा रहा है। इन हालात में इंडोनेशिया को अपनी एक नई राजधानी बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये हालात और जगह ना आए, इसीलिए हमें अभी से सतर्क होना होगा, वरना वैसे दिन दूर नहीं है।